हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन सीरीज़ में आज अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए है। और बेसिकली इस चैप्टर में आप देखेंगे कि एक तो आपसे टी शेप अकाउंटिंग, जैसे ये टी जैसी शेप है, इसके बारे में, जिसकी लेफ्ट हैंड डेबिट साइड होती है, राइट जो है वो क्रेडिट साइड होती है। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक अमेरिकन अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। इसको अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच तो एक हो गई, और एक इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच या डबल एंट्री सिस्टम है। तो दो अप्रोचेज हैं, अमेरिकन जिसको मॉडर्न भी कहते हैं। देखो अमेरिका ने तो हर जगह टांग अड़ा रखी है। तो पहले इंग्लिश या ब्रिटिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच या डबल एंट्री सिस्टम चलता था, तो अमेरिकन ने अपना नया सिस्टम चला दिया, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो हो सकता है पूछे, तो टी शेप जो है ना वो आपकी अमेरिकन अप्रोच है, ध्यान रखना, क्योंकि आप टी शेप पढ़ते रहते हो और आपको ये ध्यान रहता कि वो अमेरिकन अप्रोच है। तो अमेरिकन अप्रोच जो है वो टी शेप अकाउंट में 5 कैटेगरीज में बांटती है। किस किस में? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लॉसेस। ठीक है, रेवेन्यू यानी इनकम और ये लॉसेस, तो ये 5 अकाउंट होते हैं। और इनके रूल जो हैं वो भी यही है कि एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट साइड से बढ़ते हैं और क्रेडिट साइड से कम होते हैं। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल LIC, ये क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से कम होती है। ये सारे रूल आपके यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इनको इजीली याद कर सकते हो। तो इनको ऐसे याद कर लो, दो दो ग्रुप बना लो, ये डेबिट से बढ़ेंगे, क्रेडिट से कम होंगे, और LIC क्रेडिट से बढ़ेगी और डेबिट से कम होगी। इससे आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में तो बेसिकली टी शेप यानी अमेरिकन अप्रोच है, उसके ये 5 अकाउंट होते हैं, उनके ये रूल है, ये याद कर लो। और बाकी ब्रिटिश रूल से तो, और इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच या डबल एंट्री सिस्टम अप्रोच से तो टी शेप आप पढ़ ही रहे हो, जो इक्वेशन है वो आपको पढ़ ही रहे हो। टी शेप जो है वो अमेरिकन अप्रोच है, इसका अपन को ध्यान रखना है। सही है, तो इस चैप्टर में से तो इतनी चीज़ें हैं। बाकी इक्वेशन वाली जो 3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको अपन ने न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।